नमस्कार, NBSC न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। झालावाड़ में नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित 34 नर्सेस के वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन की मांग की। नर्सेस का कहना है कि चिकित्सा विभाग के द्वारा नर्सिंग भर्ती 2018 के तहत चयनित 125 नर्सेस को SRG हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के अधीन नियुक्ति दी गई थी। इनको संयुक्त निदेशक कोटा के आधार पर 44 को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ से, 19 को CMHO ऑफिस झालावाड़ से व 62 को CMHO ऑफिस बारा से नर्सिंग कर्मियों के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इनमें से मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के 51 नर्सिंग कर्मियों को तो वेतन मिल गया है, लेकिन 34 को अभी तक भी वेतन नहीं मिला है, जिसमें समस्त नवनियुक्त नर्सेस को आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 11 महीनों से कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कोटा संयुक्त निदेशक के आदेश के बावजूद झालावाड़ व बारा प्रशासन ने उनके वेतन को कोई लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में आज नर्सेस से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन की मांग की है। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति पर रहकर आमजन की सेवा कर रहे SRG चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हमारे 125 नर्सेस साथियों में से 11 माह से अधिक का समय निकल जाने के उपरांत भी लगभग 35 नर्सेस साथी अभी भी वेतन से वंचित हैं, जिसमें CMO 12, CMHO साहब बूंदी और CMHO 12 में हमारे साथी हैं। उनका वेतन आहरण अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि संगठन द्वारा धरातल पर संघर्ष किया जा रहा है। जो भी समस्या है उसके लिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है, और अभी हाल ही में जयपुर से भी एक आदेश निकला है जिसमें उनको आदेशित किया गया है कि 2 अगस्त के पहले पहले उनका वेतन आहरण किया जाए, क्योंकि 11 माह से अधिक समय तक बिना वेतन के घर परिवार का पालन पोषण करना वास्तव में बहुत ही कठिन है। फिर भी ये कोरोना योद्धा नर्सेस साथी शालीनता से अपनी मांग रख रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो मैं संगठन के माध्यम से भी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इनका वेतन आहरण करवाएं। इसी विषय में आज हम आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि वो उच्चाधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र अतिशीघ्र इनका वेतन आहरण कराए और इनको राहत प्रदान करें।